नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सौरभ मुखर्जी, आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 23 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 22 के बारे में, जहां पे पता चला था हमें क्या कि अरेस्ट और डिटेंशन से कैसे बचा जाता है या उसके अंदर क्या क्या राइट्स हमें मिलते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सौरभ मुखर्जी में जाके देख सकते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं हम आर्टिकल 23 को, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप किसी बच्चे को पकड़ के बेच दिए, ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। अब बच्चा किसी भी माहौल में गया, अब जाके भीख मांग रहा है, अब इतनी जनसंख्या है, अगर उसको 10 रुपए 20 रुपए भी दिन के मिलते हैं तो 30-35 हजार, मतलब 100 लोगों से मिलेगा 30-35 हजार तो ऐसे उठा लेगा। अब होता यह है कि उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता चल रहा है ना, कि मैंने वो चाइल्ड है, अब उसको तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि यार मेरे से भीख मंगवाया जा रहा है। वो सोच रहा है मेरी लाइफ ऐसी ही है। जैसे आप मान के चलिए कि जैसे हम सब क्या है, चप्पल पहन के चलते हैं घर के अंदर, कुछ लोग चप्पल घर के अंदर नहीं पहनते हैं, जो घर का चप्पल होता है वो नहीं पहनते हैं, लेकिन क्या है कि वो कल्चर है अपना अपना, तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। अब आर्टिकल यहाँ पर 23 सब क्लॉज 1 है और आर्टिकल सब क्लॉज 2 है, दोनों को ही आपको बताऊंगा क्या है। वैसे मैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी जैसे हर बार देता हूं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आर्टिकल 23 में सब क्लॉज 1 में कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट ट्रैफिकिंग, आप किसी बच्चे का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ट्रैफिकिंग कहां होता है, देह व्यापार में, मतलब प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस में, जहां पे लड़कियों को ढकेल दिया जाता है ट्रैफिकिंग करने के लिए, मतलब अपनी देह व्यापार में सेक्स करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये ट्रैफिकिंग, आप ये जो गुना है, ये मूल अधिकार हमारे, मतलब फंडामेंटल राइट 23 सब सेक्शन सब क्लॉज 1 में आते हैं कि ट्रैफिकिंग नहीं किया जा सकता। अब बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या होता है, कि मान के चलिए कि आप वो मूवी देखे होंगे मांझी द माउंटेन मैन, वहां पे सबसे स्टार्टिंग सीन में जहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जहां पे एकदम बच्चे होते हैं, वहां पे दिखाता है कि उसका बाप ले जाकर उसको बेच दे रहा है, किसके पास, साहूकार के पास। क्या होता था कि पहले क्या होता था कि साहूकार लोग पैसा देते थे, अब लोग इंटरेस्ट के हिसाब से तो कुछ ले नहीं पाते थे, मतलब अब वो गरीब फार्मर है जो उसको उगाना था वो उगा नहीं पाया, पैसा नहीं दे पाया, तो क्या हुआ कि अब ये क्या किए कि अपने बच्चे को ले जाके बेच दिए, बोले कि नहीं आप इनको आप अपने पास काम कराइए, काम कराने के बॉन्डेड लेबर काम कराइए। अब यहाँ पे क्या होगा बॉन्डेड लेबर में, कि पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो वो साहूकार उसे पैसा दिया था, अब वो पैसा नहीं चुकाने की वजह से यहाँ पर उसको बेच दिया जा रहा है, उस बच्चे को दे दिया जा रहा है कि इसको काम कराइए, मतलब पैसा आप लिए थे, आपका बच्चा काम करे या आप काम करे वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वहां से पैसा नहीं मिल रहा है। तीसरा है यहाँ पर फोर्स्ड लेबर, आप किसी को लेबर को फोर्स नहीं कर सकते। जैसे आप मान लीजिए किसी को आप 6 बजे काम करने बुलाए, 7 बजे काम करने के बुलाए, वो आया काम कर रहा है 10 बजे 11 बजे, वो बोल रहा है कि नहीं मालिक अब नहीं हो पा रहा है, जितना हुआ है उतने का पैसा मुझे दे दीजिए, तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, उसका पैसा आपको दे के उसको क्लियर कर देना पड़ेगा, नहीं तो उसका मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 23 के अंदर सब क्लॉज के अंदर 1 के अंदर इसका फोर्थ लेवल राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यहाँ पे। अब इसीलिए उसको फोर्स लेबर नहीं कर सकते कि जबरदस्ती काम करा है, 6 बज गया है फिर भी काम करा रहे हैं, 10 बज गया है रात के 10 बज गए हैं फिर भी वो काम किए जा रहा है। तो एक समय के बाद, इसीलिए गवर्नमेंट जहां पे ब्रिटिश काल के समय हमारा 12 घंटे थे, वहां पे अभी इसको घटाकर इसको 8 घंटे कर दिए गए, यहां पे ही इसका वो था, इसीलिए ये आर्टिकल मूल आर्टिकल इसी को फोर्स लेबर कर रहा था कि 12 घंटे काम कर रहा है, 2 शिफ्ट में इंसान काम करता था, एक डे एक नाइट, अभी 3 शिफ्ट हो गया है, पहले मॉर्निंग फिर सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो दो है यहाँ पे 3 हो गए हैं, पहले मॉर्निंग फिर डे एक नाइट, ठीक है, जो कि प्राइवेट जॉब में भी 8 घंटे है, लोग काम करवा ले रहे हैं 9 घंटे क्योंकि लंच ब्रेक कुछ भी है, लेकिन बहुत ज्यादा काम करवा लेंगे तो आप अगर केस कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सौरभ सर से पढ़े थे कि आर्टिकल 23 के अंदर फोर्स लेबर के अंदर अगर काम करवाया जाए तो मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मैं इसके ऊपर केस करूंगा, तो आप केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर्टिकल 23 अब जब बन रहा था तो इसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि बी एन राव सर जो थे, बी एन राव बने आर्टिकल का एक, बी एन राव अम्बेडकर की तरह बी एन राव सर भी थे, बी एन राव सर क्या कहते हैं कि यार अगर इसको मूल अधिकार में पूरा डाल दिया जाएगा,
फोर्स लेवर को, स्पेशली इसकी वजह से बी एन राव थोड़ा लड़ रहे थे कि भाई पैसा देना पड़ेगा, हाँ हमेशा पैसा देना पड़ेगा। तो आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 में बनाया गया कि कब पैसा नहीं देंगे या जबरदस्ती काम करवा लेंगे, मतलब बॉन्डेड भी आ जाएगा, लेबर फोर्स लेबर भी आ जाएगा। नेशनल इंटरेस्ट मतलब जब हमारा देश आपदा में है, जैसे मान लीजिए सोचिए 1950 की बात हमारी अभी 2020 में काम आई है, कैसे मैं आपको प्रूफ देता हूँ। कोरोना काल में कोई अपना जॉब नहीं छोड़ सकता, कोरोना काल में कोई भी इंसान अपने जॉब को वो नहीं कर सकता, मतलब घर नहीं बैठ सकता अगर वो कोरोना वॉरियर्स में आ रहा है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, जैसे कि हमारे झाड़ूदार हो गए, जो मैंने हर इंसान को प्रणाम है जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है, जो कोरोना वॉरियर्स में हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे हित के लिए लड़े हैं, उनके लिए मतलब ये सबको प्रणाम करने से पहले मैं सबसे पहले तो बी एन राव सर को प्रणाम करना चाहूंगा कि मतलब किस सोच से बनाए थे हमारे आर्टिकल्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये नेशनल इंटरेस्ट के समय आपको जबरदस्ती काम भी करना पड़ सकता है, फोर्स लेबर भी बनना पड़ सकता है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटा, 12 घंटे की जगह 14 घंटा आपको काम करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपका कोई उपाय नहीं है, समझ रहे हैं। सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे अगर इमरजेंसी दुनिया में, अगर मान लीजिए देश में हमारा कोई आपदा आ गई है, पाकिस्तान आ गया है या फिर चाइना हमसे लड़ाई कर लिया या नीचे श्रीलंका कर लिया हो या बांग्लादेश कर लिया हो, फाइट बहुत बड़ी हो गई है कि सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी इस तरफ चली जा रही है, तो इमरजेंसी का टाइम है कि घर से मत निकलिए नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। इमरजेंसी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मैं कभी उसको आप विस्तार से बताऊंगा, अगर आपको सच में जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा तो मैं इमरजेंसी बताऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे धारा रखते हैं। इवन आप इमरजेंसी के टाइम पे घर से नहीं निकल सकते, आपका घर कभी भी गवर्नमेंट अपने यूज में ला सकता है, बहुत सारे प्रोविजन आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जो कि बहुत सारे मूल अधिकार को भी खत्म कर देते हैं, जैसे कि ये 23 हमारा फंडामेंटल राइट है, उसमें सब प्लस 2 में भी ये लिखा हुआ है, छोटी सी जगह बनाकर बी एन राव जी ने घुसा दिया कि भाई नेशनल इंटरेस्ट के समय और इमरजेंसी के समय हम यहाँ पर इनका है, ये सब नहीं देखेंगे कि बॉन्डेड लेबर है कि ये फोर्स लेबर है, समझ रहे हैं। तो यही से आर्टिकल 23 खत्म हो रहा है, तो यहीं पे मैं खत्म करता हूं, धन्यवाद, नमस्कार।